इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेक्शन का अब हम लोग आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे जिसको अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। अल्टरनेटिंग करंट जैसा कि आप जानते हैं हमारे घरों में जो अप्लायंसेज होते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट पर जो है बेस्ड होते हैं और अल्टरनेटिंग करंट ही उनमें फ्लो होता है। डीसी करंट एक हमने पढ़ा था पहले। डीसी करंट का मतलब यह है जैसे कि अपने पास सेल होता है, टॉर्च का बैटरी होता है ना, वो जो है डीसी करंट सप्लाई करता है और उसको हम लोग डीसी सोर्स कहते हैं। ठीक, ये तो चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आसान चैप्टर भी है, स्पेशली जिनको कि वेव्स और सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में अच्छी तरह से समझ है उनको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा, है ना। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि छोटा सा चैप्टर है और हर साल एक क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा जो करंट है ये दो टाइप का होता है, एक होता है डीसी करंट जिसको कि हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट, और दूसरा होता है एसी करंट मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट इसको शॉर्ट में डीसी करंट कहा जाता है और इसको एसी करंट। ठीक, तो जिस तरह से करंट को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं उसी तरह से जो सोर्स होता है, जो बैटरी होता है, वो भी दो टाइप का होता है। सोर्स का मतलब हुआ बैटरी, है ना। तो एक होता है डीसी सोर्स, डीसी सोर्स का मतलब हुआ कि जैसे सेल होता है वो हो गया डीसी सोर्स, और एक होता है एसी सोर्स, एसी सोर्स जैसे कि जनरेटर है तो जनरेटर एसी करंट प्रोड्यूस करता है। अब डीसी जो है इसमें जो सोर्स है उसकी पोलरिटी फिक्स रहती है हमेशा, पोलरिटी ऑफ सोर्स रिमेन्स फिक्स्ड, और अल्टरनेटिंग जो सोर्स है एसी सोर्स है उसमें पोलरिटी बार बार चेंज होती रहती है, पोलरिटी ऑफ सोर्स चेंजेस पीरियडिकली मतलब एक फिक्स्ड पीरियड के बाद पोलरिटी जो है वो चेंज होता रहता है। तो अगर हम लोग बात करें डीसी सोर्स की और डीसी करंट की, डीसी सोर्स में जो सोर्स है उसका ईएमएफ और ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है, ईएमएफ एंड पोलरिटी ऑफ डीसी सोर्स डू नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब कि टाइम के साथ में ये फिक्स्ड रहते हैं। उसी तरह से जो एसी डीसी करंट है, डीसी करंट में करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड रहता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी करंट रिमेन्स फिक्स्ड इन स्टेडी स्टेट,
स्टेडी स्टेट का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो करंट जीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू तक चेंज होता है, उसके बाद जो करंट की वैल्यू है वो फिक्स्ड रहती है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड रहता है और डायरेक्शन भी फिक्स्ड रहता है। तो अगर इनका ग्राफ बनाए जैसे कि डीसी सोर्स का ईएमएफ है ना, और टाइम के साथ में इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसी तरह से डीसी करंट ये हो गया डीसी करंट और ये हो गया टाइम ना, ये हो गया डीसी सोर्स का ईएमएफ है ना। तो इसका जो ग्राफ है ईएमएफ फिक्स रहता है, ये मान लिया ई नॉट है इसका ईएमएफ, टाइम के साथ में ये वेरी नहीं करता। उसी तरह से जो डीसी करंट है इसका वैल्यू भी फिक्स रहता है, मान लिया कि आई नॉट है तो ये फिक्स रहेगा हमेशा। देखेंगे कि अगर यहां पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही करंट हमेशा फ्लो करता रहेगा, इसकी अगर पोलरिटी मैंने ई में पॉजिटिव लिखा है तो हमेशा उसी डायरेक्शन में जो इसकी पोलरिटी बनी रहती है। उसी तरह से हम बात करेंगे एसी सोर्स की, एसी सोर्स ऐसा सोर्स होता है जिसकी पोलरिटी भी और उसका ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी जो है बार बार चेंज होते रहते हैं, पीरियडिकली चेंज होते रहते हैं, ठीक है। पोलरिटी एंड मैग्नीट्यूड, या डायरेक्ट कह सकते हैं पोलरिटी एंड ईएमएफ ऑफ एसी सोर्स चेंजेस पीरियडिकली है ना, मतलब कि अगर इसका इक्वेशन देखा जाए वेरिएशन जो है टाइम के साथ में, तो इसको लिखा जा सकता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, इस तरह से जो ईएमएफ है ये चेंज हो सकता है ना। अगर ऐसे कहें कि यहां पर एक रेजिस्टेंस है और ये हो गया एसी सोर्स, एसी सोर्स का जो सिंबल है वो ऐसे होता है, इसका ईएमएफ लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, ये जो है एसी सोर्स का सिंबल है, सिंबल ऑफ एसी सोर्स, है ना, ये हो गया एसी सोर्स का सिंबल। अब इसमें देखेंगे कि हमने पोलरिटी इसकी नहीं दिखाई है, मतलब करंट कभी इधर से भी जाएगा कभी इधर से भी जाएगा, ये बार बार इसकी पोलरिटी जो है वो बदलती रहती है। और उसी तरह से एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है वो चेंज होता रहता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एसी करंट चेंजेस पीरियडिकली। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें एसी सोर्स का जो ईएमएफ है इसका और अल्टरनेटिंग करंट का, तो दोनों जो है कैसे कह सकते हैं कि साइनसोइडली जो है वो चेंज होते रहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन होता है वो जैसे हम लोग लिख सकते हैं ई बाई आर है ना, ई तो साइनसोइडली चेंज हो रहा है तो इसको भी लिखा जा सकता है, तो डायरेक्ट मतलब कह सकते हैं कि ये भी इसी टाइप का इक्वेशन आएगा, आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा इसका कुछ इक्वेशन आएगा। तो अब अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो एसी सोर्स का ईएमएफ, मतलब ये हो गया कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं
एसी करंट और टाइम का, है ना। तो ये जो है कुछ इस तरह से वेरी कर सकता है। ये ध्यान रखना है कि यहां फाई है, फाई कुछ भी हो सकता है, फाई हो सकता है जीरो हो सकता है, पाई बाय टू हो। तो ये जो फंक्शन है साइन, ये बदल सकता है। तो मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया और जो करंट है, करंट का जो ग्राफ है वो भी कुछ इसी टाइप का हो सकता है। दोनों में कुछ फेज डिफरेंस भी हो सकता है, फेज डिफरेंस नहीं भी हो सकता है, है ना। तो मैंने कुछ ऐसे दिखा दिया, ये मतलब साइनसॉइडली या कोसाइन कर्व जैसा कुछ ये आएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ई नॉट हो गई। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको पीक वैल्यू कहा जाता है। यहां पर आ गया माइनस ई नॉट। उसी तरह से जो करंट है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट और अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि उसका डायरेक्शन रिवर्स होता रहता है बार बार, तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आई नॉट हो जाएगा, है ना। तो ये जो एसी सोर्स है इसकी कुछ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है। एसी सोर्स हैज सम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर बात करें इंडिया में, इंडिया फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, है ना। जो एसी सोर्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रखी जाती है। इसी के हिसाब से जो जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो सारे बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि जो एसी सोर्स है वो साइनसॉइडली इस तरह से चेंज होता है और एसी करंट जो है वो भी इसी तरह से चेंज होता है। तो इनकी एवरेज वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। वो निकालने की कोशिश करते हैं, एवरेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ, है ना। तो पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में निकाल करके जो है इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो एवरेज ईएमएफ जो होगा इसको मैं लिख देता हूं इस तरह से, ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। मैं फाई को रिमूव कर रहा हूं क्योंकि अपना सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा आसान हो जाए, इसलिए मैं फाई को रिमूव कर रहा हूं और इसको जो है इंटीग्रेट करके हम लोग एवरेज की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो जैसा कि पहले मैंने बताया था कि अगर कोई भी कंटिन्यूअसली चेंजिंग क्वांटिटी होता है तो उसका एवरेज हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेशन करके। जैसे वाई अगर एक्स का फंक्शन हो तो एवरेज वाई निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो है इसको वाई डीएक्स डिवाइडेड बाय डीएक्स और एक्स वन से एक्स टू इंटरवल में इसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। वैसे यहां पर देखेंगे कि जो ईएमएफ है वो टाइम का फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर ऐसे करना चाहिए, ई डीटी डिवाइडेड बाय डीटी ऐसे करना चाहिए, जीरो से टी, एक टाइम एक जो टाइम पीरियड होता है इसका, इसका पोलरिटी चेंज करने का जो टाइम पीरियड होता है, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो उस एक टाइम पीरियड वाले इंटरवल में हमें इसका एवरेज की वैल्यू पता करनी है। तो ये निकालेंगे तो ई की वैल्यू मैं रख देता हूं यहां से, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी जीरो से टी डिवाइडेड बाई, ये डी टी है इसका तो इंटीग्रेशन आ जाएगा टी, लिमिट रखने पर आ जाएगा टी माइनस जीरो, है ना। तो ये हो गया ई नॉट, ई नॉट डिवाइडेड बाई टी, जो कॉन्स्टेंट टर्म इसको बाहर निकाल लेते हैं। साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा और लिमिट रखेंगे जीरो से टी, तो ये हो गया ई नॉट बाई ओमेगा इंटू टी। और जब लिमिट रखेंगे इसमें तो चूंकि यहां माइनस साइन है तो पहले मैं जीरो रख देता हूं, तो ये आएगा कॉस जीरो माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा। अब ये देखेंगे कि ये जो टर्म है एक्चुअली में जीरो आ जाएगा, ई नॉट बाई ओमेगा टी
कॉस जीरो तो वन होता है, कॉस ओमेगा को मैं लिख सकता हूं टू पाई बाई टाइम पीरियड इंटू टाइम पीरियड, है ना, तो टी टी कैंसिल। अब कॉस जीरो तो वन होता है, कॉस टू पाई भी वन ही होता है, तो ये भी वन और ये भी वन, यानी कि कुल मिलाकर के ये हो गया जीरो। तो एक टाइम पीरियड में जो एवरेज वैल्यू है वो जीरो आ रहा है। तो उसी तरह से जो है अगर करंट की एवरेज वैल्यू भी निकालेंगे एक टाइम पीरियड में तो वो जीरो आएगा। तो इसलिए एवरेज वैल्यू जो है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं आधे टाइम पीरियड में, है ना। तो ये कहा जा सकता है सिंस एवरेज ईएमएफ इन वन टाइम पीरियड इज जीरो, सो एवरेज वैल्यूज आर कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड इन द इंटरवल ऑफ जीरो टू टी बाई टू सेकेंड। मतलब कि आधे टाइम पीरियड में जो भी इंटरवल है आधे टाइम पीरियड का, उस इंटरवल में हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं कि आधे टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू कितना आएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमें करना चाहिए इंटीग्रेशन, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, जैसे वहां पर था। तो यहां तो जीरो से टी रखा था हमने, यहां पर रखेंगे जीरो से टी बाई टू, और डी टी का इंटीग्रेशन टी आता है, लिमिट जीरो से टी बाई टू रखेंगे तो यहां भी आ जाएगा टी बाई टू, है ना। तो इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, ये आ गया ना। और साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन है जैसा हमने यहां निकाला था, तो ये आ जाएगा ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट जो है रखेंगे जैसे यहां जीरो से टी था, यहां पर लिमिट रखेंगे जीरो से टी बाई टू, है ना। जैसे इसमें ओमेगा कांस्टेंट बाहर आया था, इसको यहां हमने रख लिया था, वैसे इसमें भी जो ओमेगा आया उसको हमने इधर किनारे कर दिया है, है ना। तो टू ई नॉट बाई टी, जो ओमेगा है ओमेगा को मैं लिख सकता हूं टू पाई बाई टी। अब यहां पर चूंकि माइनस आई है तो पहले लोअर लिमिट रख लेते हैं, कॉस जीरो माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा को रखा जा सकता है टू पाई बाई टी इंटू, और स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी बाई टू ऐसे रखेंगे। तो देखेंगे यहां से ये टू और ये टू कैंसिल हो गया, एक टू यहां से एक टू यहां से कैंसिल हो गया, यहां पर टी और टी कैंसिल, टू और टू कैंसिल, तो बचेगा ई नॉट बाई पाई, यहां पर ई नॉट बाई पाई रह गया है, और कॉस जीरो होता है वन माइनस, देखेंगे कॉस पाई यहां पर बचेगा, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, माइनस एक पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस वन, यानी ये आ गया टू ई नॉट बाई पाई। तो ईएमएफ का जो एवरेज वैल्यू है वो हम लोग आधे टाइम पीरियड में कैलकुलेट करते हैं और उसकी वैल्यू इतनी आती है, जहां पर ई नॉट क्या है ईएमएफ का पीक वैल्यू है। ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो मैंने बताया है ये जो ई नॉट है, ई नॉट को हम लोग कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और ये जो आई नॉट है ये है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एसी करंट। जिस तरह से हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया वैसे ही अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैन बी कैलकुलेटेड इन सिमिलर वे, और
उसका भी जो एवरेज वैल्यू आएगा वो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई, है ना। अल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो एवरेज वैल्यू आया था ये आया था कितना, 2 इंटू ई नॉट बाई पाई, यानी कि 2 इंटू पी की वैल्यू बाई पाई। तो उसी तरह से जो है अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू आ जाएगा 2 आई नॉट बाई पाई। और ये जो कैलकुलेशन है ये भी टी बाई 2 टाइम इंटरवल में, इन द इंटरवल 0 टू टी बाई 2, इस इंटरवल में कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज करंट का वैल्यू जो है वो इतना आएगा, है ना। अब जिस तरह से ये एवरेज वैल्यू आता है उसी तरह से हम लोग एक और करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिसको कहते हैं आरएमएस वैल्यू। तो ईएमएफ का भी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और करंट का भी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमें कैलकुलेट करना हो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट, तो इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज स्टेडी और कांस्टेंट करंट which will generate the same amount of heat in a given resistor in a given interval as actual current का मतलब कि जो continuously changing AC current है वो actual current would generate in same given resistor in same given interval. है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वेरिएबल करंट है ऐसी, है ना, तो ये किसी इंटरवल में जितना हीट प्रोड्यूस करेगा किसी रेजिस्टर में अल्टरनेटिंग करंट जो कि कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, उतना ही करंट जो है ये आरएमएस वैल्यू वाला करंट भी प्रोड्यूस करता है, जबकि आरएमएस वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पर एक करंट जो है इस तरह से चेंज हो रहा है ना, तो इस यहां से यहां तक टाइम इंटरवल में जो है इसने 10 जूल का हीट प्रोड्यूस किया या हीट जनरेट किया। अब ये जो करंट है इसका हमने आरएमएस वैल्यू निकाला, आरएमएस वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है, है ना। मान लिया ये जो भी आया ये आ गया 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर का करंट हम लोग कांस्टेंट करंट फ्लो कराएंगे इतने ही टाइम इंटरवल, जितना टाइम इंटरवल तक ये वेरिएबल करंट फ्लो कर रहा था उतने ही टाइम इंटरवल तक ये आरएमएस वैल्यू है इस करंट का 5 एम्पियर आया मान लिया, तो ये 5 एम्पियर का करंट उतने ही टाइम इंटरवल तक फ्लो कराएंगे जो कि कांस्टेंट है, ये भी 10 जूल का ही हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो जो मैंने समझाया इसको एक बार यहां से फिर से पढ़ के समझते हैं, इट इज स्टेडी करंट, स्टेडी करंट रखना है, कांस्टेंट करंट रखना है, विच वुड जनरेट द सेम हीट इन अ गिवन रेजिस्टर इन अ गिवन टाइम इंटरवल एज एक्चुअल करंट, एक्चुअल करंट का मतलब जो वेरिंग करंट है वो वुड जनरेट इन सेम गिवन रेजिस्टर इन सेम गिवन इंटरवल, ठीक है। तो ये आरएमएस एसी जो होता है, आरएमएस करंट जो होता है उसका डिफिनेशन है। आरएमएस वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसको एक्चुअली में इसका जो फुल फॉर्म है वो है रूट
मीन स्क्वायर एसी करंट है ना, रूट मीन स्क्वायर एसी करंट। तो जैसा कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते थे आरएमएस स्पीड, तो हम लोग क्या करते थे, ये जो इसका नाम दिया हुआ है उस नाम में से ही हिंट लेकर के आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते थे। तो यहां भी अगर हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है तो बिल्कुल उसी तरह से इसके नाम में से हिंट लेंगे। क्या कहता है कि करंट का पहले स्क्वायर करो फिर उसका मीन निकालो, है ना। तो मीन का मतलब एवरेज निकालो और फिर उसका रूट ले लो, ये मतलब करंट का स्क्वायर करेंगे फिर एवरेज निकालेंगे फिर उसका रूट निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर मैं यहां पर मान लेता हूं कि जो करंट है एसी करंट वो कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, अब इसका आरएमएस वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो आई आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है, मतलब इसका एवरेज निकालेंगे, यह आएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जैसा मैंने यहां बताया कि एवरेज निकालना हो किसी भी कंटिन्यूसली चेंजिंग क्वांटिटी का तो हम लोग इंटीग्रेशन का मेथड यूज करते हैं, है ना। यानी यहां पर अगर मैं कहूं तो पहले ऐसे एक सिंपल फॉर्म लिख लेते हैं, आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, है ना। मतलब ये तो हो गया आई स्क्वायर का एवरेज, यही कहा गया था आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है और उसके ऊपर रूट लगाया हुआ है, ठीक। अब आई स्क्वायर का मतलब यहां पर क्या आया, ये आया आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन करेंगे और नीचे डी टी का इंटीग्रेशन, चूंकि अब हम लोग यहां पर एक टाइम इंटरवल में इंटीग्रेशन करेंगे, एक टाइम इंटरवल में आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, तो नीचे तो आ जाएगा टी माइनस जीरो, है ना, ये आ जाएगा। तो इसमें से आई नॉट स्क्वायर जो है वो बाहर निकाला जा सकता है इंटीग्रेशन के और रूट भी है, तो ये आ जाएगा आई नॉट रूट, यहां बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई टी डी टी और इसका इंटीग्रेशन करना है जीरो से टी, है ना। तो वैसे तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं हम लोग, अदरवाइज एक शॉर्टकट तरीका है, है ना, शॉर्टकट तरीका भी लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है 1/2, ठीक है। तो यहां पर चूंकि हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया है तो इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं, ये आ जाएगा आई नॉट अंडर रूट, अब जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसको मैं लिख सकता हूं 1 cos 2 ओमेगा टी dt इंटीग्रेशन करेंगे और नीचे यहां पर t है, लिमिट रखेंगे जीरो से t तक, ठीक। अब कहेंगे कि ये जो है ये क्वांटिटी कहां से है, इसमें 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो एक आइडेंटिटी होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin² थीटा, है ना। तो यहां से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो आएगा 1 - cos 2 थीटा / 2 ये आता है। तो यही जो फॉर्मूला है मैंने यहां पर यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर ये आया तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पर आएगा 1 - cos 2 ओमेगा t / 2। तो आई नॉट रूट के बाहर है ये 2, नीचे आ जाएगा, नीचे लिख देंगे 2t और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 dt का इंटीग्रेशन जो है ये हो जाएगा t माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा। अब इसमें हम लोग लिमिट रख सकते हैं 0 से t, तो जब लिमिट रखा जाएगा तो लिमिट रखने के बाद यहां पर तो आ जाएगा t, है ना, माइनस ये वाला जो टर्म है
इसमें जब लिमिट रखेंगे तो ये पूरा टर्म जो है वो जीरो आ जाएगा, ना साइन टू ओमेगा टी का ये आ जाएगा जीरो डिवाइडेड बाई टू टी। आप लिमिट रखकर चेक कर सकते हैं, है ना। यहां पर एक बार कैपिटल टी रखेंगे, एक बार जीरो रखेंगे, तो टी माइनस जीरो यानी कि टी रह जाएगा। और इस ये वाला जो टर्म है इसमें रखकर देखेंगे एक बार टी एक बार जीरो, तो दोनों ही जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू आया देखेंगे, यहां से ये वाला टी और ये वाला टी कैंसिल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आर एम एस वैल्यू आएगा ये आ जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू। यहां पर आई नॉट जो है वो पीक वैल्यू है, क्योंकि ये एसी करंट का आरएमएस वैल्यू इतना आया है, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो आरएमएस वैल्यू होगा वो भी कुछ इसी टाइप का आएगा, है ना। तो कह सकते हैं सिमिलरली आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इक्वल टू ईआरएमएस इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू, है ना। तो ये आर एम एस वैल्यू ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना है कि जो भी जो डीसी मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कभी भी एसी करेंट या एसी वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बार बार जीरो रीडिंग बताएंगे, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेजर करते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो तो चेंज होता रहता है, बार बार जीरो भी जाता रहता है, है ना। तो इसलिए जो डीसी मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एसी करंट मेजर करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। कह सकते हैं कि डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर एसी करंट एंड वोल्टेज, क्योंकि ये बार बार जीरो रीडिंग बताते हैं, है ना। अब इसीलिए एसी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अलग से बनाए जाते हैं, और वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ वायर पर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑलवेज मेजर आरएमएस वैल्यूज। जैसा कि मैंने बताया, आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है एक तरह से स्टेडी या कांस्टेंट करंट होता है ना। तो वो कांस्टेंट करंट या आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं, क्योंकि आरएमएस वैल्यू जो है उतना ही हीट प्रोड्यूस करता है जितना कि एक्चुअल करंट प्रोड्यूस करता है। इसलिए ये जो है, ये जो भी एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। सो एसी मेजरिंग, या कह सकते हैं कि दिस AC measuring instruments, AC measuring instruments are based on heating effect of current. So these instruments are also known as hot wire instruments, है ना। मतलब ये चेक करते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, वो करंट जो है ये मेजर करके बताते हैं।